नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आगरा यूनिवर्सिटी वालों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर, जहां से आपको 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है, बाकी एक भी क्वेश्चन को याद नहीं करना है। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो जिस प्रकार से हो जाता है, और 90% की जो गारंटी लेते हैं, 90% क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका यहीं से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं, और भाई जिस किसी के पास जिसका एग्जाम होता रहे, ठीक है, उन्हें क्या करना है, हमारे 70, 37, 32, 78, 38 जो नंबर हो जाता है व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आपको पेपर सेंड करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। जिस किसी को पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन दे रखा है लिंक, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ग्लाइकोल तथा ग्लिसरॉल बनाने की विधि, इनकी विधि के बारे में तथा इसके महत्व के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां देखिएगा नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि तथा पराबैंगनी स्टेप जो अपना हो जाता है ना स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत के बारे में तथा एनिलीन बनाने की विधि के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। अपना जो अपना हो जाता है, अपने जो बुक ले रखी है ना, उसमें क्या है ये आपको क्लिक कर देना है कि यही हमें क्या है याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा, यहां देखा है कोल तार से फिनोल बन, फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे तथा फिनोल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, ठीक है। बात करते हैं अभिरक्त स्पेक्ट्रोमिकी जो होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओ एवं पी हाइड्रोक्सी बेजल्डिहाइड में आईआर स्पेक्ट्रा के आधार पर अंतर आपको देखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां देखो सेकंड वाला, यहां रखा है एसिटोफिनोन जो होता है तथा पी मीथेन एसिटोफिनोन में आईआर के आधार पर अंतर बताना है, ठीक है। तो यहां पर मतलब ओ एवं की बात हो रही है, ओ एवं पी हाइड्रोक्सी बेजल्डिहाइड में आईआर स्पेक्ट्रा के आधार पर अंतर बताना है, किसमें, ओ और पी हाइड्रोक्सी बेजल्डिहाइड में, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर एसिटोफिनोन तथा पी एथिल एसिटोफिनोन में आईआर के आधार पर अंतर बताना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अपना गैटरमैन कोच अभिक्रिया, जो गैटरमैन कोच अभिक्रिया है तथा गाटरमैन संश्लेषण है, इसके बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। और माइकल योगशील अभिक्रिया जो हो जाती है, माइकल योगशील अभिक्रिया, इसके बारे में, और एल्डोल संग्रहण के बारे में भी अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। यहां देखो नेक्स्ट हो जाता है अपना रीमर टीमान अभिक्रिया, कौन सी, रीमर टीमान अभिक्रिया का पढ़ लेना है, और हॉबेन हॉस अभिक्रिया के बारे में भी, और अपनी एक अभिक्रिया और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो जाती है कैनीजा से अभिक्रिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। बात करते हैं बेंजोइन संग्रहण, और अपना हो जाता है एरोमेटिक कीटोन और बियर लैम्बर्ट का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर एसिटोफिनोन बनाने की विधि, इसके उपयोग और विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखा है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छी प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, एसिटिक एस्टर जैसे कहते हैं एथाइल एसिटो एसिटेट बनाने की विधि एवं उसके गुण को आपको देख लेना है ध्यान से। और उंगली छाप क्षेत्र होता है फिंगरप्रिंट रीजन, इसके बारे में पढ़ लेना है। और देखिएगा, और सारे के सारे क्या करना है, अपनों जो अपने नोट्स मार रखे हैं अपने, ठीक है, या कहीं से ले रखा है कुछ ना कुछ मटेरियल, उस पर आपको क्लिक कर देना है कि यही क्वेश्चन क्या है हमें पढ़ना है, ठीक है, अच्छी प्रकार से पढ़ना है, तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बात करते हैं एसिटिल क्लोराइड देखने को मिल सकता है, एसिटोमाइड हो जाता है, और एसिटोफिनोन बनाने की विधि के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा, यहाँ हाइफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होती है उसको देखते हैं, ठीक है, और बीटिंग अभिक्रिया और कोलवे अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेना है। बात करते हैं, यहाँ देखो मानिक अभिक्रिया, एपोक्स इसे कहते हैं अपने, एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड बनाने की विधि के बारे में देख लेना है, और हो जाता है ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण के बारे में देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, और क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल जो है, एल्कोहल की ग्रिगनार्ड अभिक्रिया से बनाने की विधि के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और देखते हैं, यहां देखिएगा सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि
तथा एमीन बनाने की विधि के बारे में और बियर लैम्बर्ट के नियम के बारे में पढ़ लेना है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस तो यही है सारा की सारा, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, और जो आपको एक दो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उनमें से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक हो। मगर आप इतना ही कवर कर लिया तो आपका सारा की सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ से फंसने वाला है, ठीक है। सारा की सारा क्वेश्चन पेपर जो हो जाएगा वो यहाँ से फंसने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।